साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में आज 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 7592 पदों के लिए चुनावी रण में उतरे 44,226 उम्मीदवारों का भाग ईवीएम और मतपेटिकाओं में बंद हो जाएगा। मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान शुरू होते ही गोरखपुर में अपना वोट डाला। सीएम योगी ने सबसे पहले मतदान किया है। बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण में राज्य के 9 मंडलों के 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है। 10 नगर निगमों के 10 महापौर व 830 पार्षदों के अलावा 104 नगर पालिका परिषद अध्यक्षकों और 2776 सदस्य और 276 नगर पंचायत अध्यक्षकों और 3682 सदस्यों के लिए आज सुबह 7 बजे से ही, बता दें, मतदान शुरू हो गया है जो शाम 6 बजे तक चलेगा। लखनऊ में भी मतदान की तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं। शहर के करीब 31 लाख मतदाता 2721 बूथों पर वोट कर सकेंगे। आपको बता दें, राज्य में मतदान केंद्र के परिसर में जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा। पहले चरण के लिए कुल 2,40,07,643 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बता दें, नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। निकाय के रण को देखते हुए सभी पार्टियों, सभी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के लिए जमकर धुआंधार प्रचार प्रसार किया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान कर दिया है। पहले चरण के लिए कुल 2,40,07,643 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें कुल पुरुष वोटर 1,27,70,963 और कुल महिला वोटर 1,12,36,680 हैं। इस मतदान के लिए नगर निगम के मतदान केंद्र 2,658 और 9,699 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें महापौर व पार्षद पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान होगा, जबकि नगर पालिका परिषद के मतदान केंद्र 2,566 और 8,214 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा के अलावा लखनऊ मंडल में शामिल सीतापुर और रायबरेली में आज मतदान हो रहा है। निकाय चुनाव को लेकर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है।
नगरीय निकाय चुनाव के बता दें कि 2017 में 3 चरणों में हुए थे। 75 जिलों के कुल 692 नगरीय निकायों के नतीजे 1 दिसंबर को आए थे, जिसमें राज्य की सत्ताधारी भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। उसमें 16 महापौर पद थे और 14 पर कब्जा जमाया था। बता दें यूपी नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां की हैं। बता दें वोटिंग 2 चरणों में होगी। आज 4 मई है, वहीं पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस दिन 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि दूसरे फेज का मतदान 11 मई को होगा। इस दिन 38 जिलों में मतदान संपन्न होंगे। पहले चरण की वोटिंग को लेकर 2 मई को चुनाव प्रचार का शोर थम गया था। वहीं 17 नगर निगमों में ईवीएम से वोटिंग कराई जाएगी, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत में बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष हम जुड़ चुके हैं। आशीष, नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं, आप प्रयागराज में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और सुबह से ही लोग अपना मत देने के लिए, अपना मत अधिकार प्रयोग करने के लिए सुबह से ही यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले तक जितने भी प्रत्याशी थे सभी ने अपनी ताकत और जो झोंक दी थी और अपने एजेंडे के प्रति लोगों को जागरूक बताया और पूरी ताकत लगा दिया था कि 2 दिन पहले तक ये पूरी ताकत लगा दिया था कि कैसे प्रत्याशी अपने सभी वोटरों को रिझाने में लगा दिए थे। और बात करें आज सुबह से ही यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ कर पहुँच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। यहाँ बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था करी गई है। यहाँ बिना किसी को मोबाइल नहीं प्रयोग किया जा रहा है, जो भी वोट गाड़ियां चल रही हैं उनको पोलिंग बूथ से दूर कर रखा जा रहा है। और सुबह से ही देखा जाए तो काफी संख्या पे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कारण ये भी है, आपको बता दें कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को पहले से ही मतदान के प्रति जागरूक किया गया था कि देखिए मतदान कितना जरूरी है कितना नहीं, क्योंकि एक मतदान एक महोत्सव इसको माना जाता है, तो इसका प्रयोग बहुत जरूरी करना है। तो इसलिए लोगों को जागरूक भी किया गया था और अपना मत का जरूर प्रयोग करें और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनकर एक अच्छी सरकार बनाए। जिस आशीष, तो जो मतदाता है जो मतदान करने पहुंच रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं? देखिए बात करें मयूरी, उनका साफ तौर पे जो मुद्दा है चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, अपने अपने देखिए सबके अपने अपने विचार है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है तो कोई विकास की बात कर रहा है, तो कोई मूलभूत सुविधाएं की, कोई गली की नालियों की, कोई जो गंदगी है उसकी तो ले दे। और सबसे ज्यादा बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर उनको है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का अच्छा हो कि जिससे हम सुरक्षित रह सके। जी आशीष, अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो निकाय चुनाव को देखते हुए क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर दे सकता है? देखिए मयूरी, आपको बता दें कि जो फाइट देखी जा रही, जो मुकाबला देखा जा रहा है, साफ तौर पे बसपा भाजपा और सपा के बीच पे है जो इनकी फाइट होगी। क्योंकि देखिए देखा यह जाता है कि और पूरी तरीके से जो बात कहें तो भाजपा और सपा की फाइट मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है, और जो और भी पार्टियां हैं वो उस मुकाबले में नहीं दिख रही है। साफ तौर पर यही कहा जा सकता है, भाजपा और सपा की फाइट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जी धन्यवाद आशीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में आज 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं, वहीं प्रशासन की तरफ से इसको लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। तो पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है, जिसमें 10 नगर निगम समेत 37 जिलों में मतदान कराया जा रहा है। पहले फेज में जिन जिलों में वोटिंग होनी है उसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संबल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, वहीं प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली व जौनपुर शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है, मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी।
वहीं निकाय चुनाव की तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से भरपूर की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, नगर निकाय के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुका है, आप लखनऊ में मौजूद हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी मयूरी, आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करने के लिए आज प्रदेश भर की जो फर्स्ट फेज के मतदाता हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है, और वो उत्साह के साथ आज सुबह से ही पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ पोलिंग बूथों पे नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा अपने वोट को डालते हुए नजर आई हैं, तो वहीं कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल वृंदावन सोसाइटी स्थित पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आई हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को दो फेजों में कराया जा रहा है। अगर बात की जाए तो 2,40,00,000 मतदाता इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के अंदर में कहीं ना कहीं देखे तो तमाम बॉडीज की तरफ से मतदाता जागरूक रैली की गई थी, जिसका नतीजा है कि आज भारी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो सुरक्षा के हर एक कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी फुटेज भी लगाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पल पल की निगरानी रखी जा सके। साथ ही पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की परिधि तक किसी व्यक्ति को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही साथ प्रत्याशी की तरफ से या प्रत्याशी के समर्थक किसी तरह का चुनाव चिन्ह या अपने तरफ आकर्षित करने वाले चीजों को लेकर पोलिंग बूथ पर नहीं जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात करें तो इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन हर एक मोर्चों पर तैयार है। साथ ही सोशल मीडिया पे भी विशेष निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह की अफवाह ना फैल सके। ये तो हो गई सुरक्षा की बात, तो अभी जो लखनऊ की जनता है वो अपने मतदान का प्रयोग कर रही है, तो वो किन मुद्दों को देखते हुए वोट कर रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से आज अगर देखें तो सुबह 7 बजे से ही भारी संख्या में महिलाएं पोलिंग स्टेशन पर जा रही है अपने मताधिकार का प्रयोग करने। उनके चेहरे पर साफ तौर से उत्साह है और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर उमंग है। और उनके अगर बात करें मुद्दों की तो वो जो उनकी प्रमुख मुद्दे हैं उनके आधार पर वो वोट देते हुए नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आई है कि लखनऊ को हमने स्मार्ट बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया गया है कि भाजपा की सरकार में कहीं ना कहीं लखनऊ को कचरा बनाया गया है। मगर ये तय करना जनता को है, और अब जनता जनार्दन के हाथों में कहीं ना कहीं इस बात का जिम्मा मिला है, और जिसका नतीजा कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी, और आने वाले 13 मई को इस बात पे साफ हो जाएगा कि जनता किन प्रमुख मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग की है। वही भी अगर बात की जाए तो 9 मंडलों के बात करें तो 37 जिलों में की 9 मंडल में आज चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के दृष्टिगत अगर बात करें तो तमाम जो बड़े हस्तियां हैं उनकी तरफ से अपील की गई है। तो वहीं अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक संदेश दिया गया है, वो सबसे पहले गोरखपुर के सदर स्थित अपने पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं और 7:07 पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। आपको बताएं कि 10 बजे लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि बसपा की सुप्रीमो महज कुछ ही क्षणों के अंदर मॉल एवेन्यू स्थित पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगी। मयूरी विवांशु, देखिए 2017 में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला था, अब की देखा जाए किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर देता नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार अगर देखा जाए तो पहली दफा शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव हो रहा है और देखने वाली बात यह होगी कि सियासी ऊंट किधर करवट लेता है, वो चुनाव के बाद साफ होगा। मगर बात करें तो पिछले चुनाव से तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पलड़ा पिछले चुनाव में भारी रहा है और इस बार की जनता कहीं ना कहीं देखे तो मुद्दे बदले हैं, तमाम समय बदला है और जनता के सोच भी बदले हैं। तो जनता के हाथ में है कि जनता किसे चुनकर अपने मेयर या नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के जो कुर्सी है उस पर किसे आसीन करती है, किसे बिठाती है, वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो तमाम संस्थाओं के द्वारा मुहिम चलाया गया है कि मतदान को लेकर, उसमें पूरी तरह से जनता सक्रियता के साथ वोट देते हुए नजर आ रही है। बात करें तो पोलिंग स्टेशन पर विशेष तरह के बिना वर्दी के पुलिस को भी तैनात किया गया है कि किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अगर बात करें तो हर एक जिले के जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी का जिम्मा दिया गया है जो पूरी पारदर्शिता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व मतदान में पूरी अपनी भागीदारी देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो राजधानी लखनऊ के DM शिवपाल गंगवार को जो जिम्मेदारी मिली है जिला निर्वाचन अधिकारी को, उसको बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह अगर बात की जाए तो 6:30 बजे से मतदान शुरू होने के आधे घंटे पहले ही लखनऊ के DM अलग अलग मतदान स्थलों पर जाकर जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही आपको बताएं कि विशेष तौर पर ये बात कही गई है, लोगों से अपील की गई है लखनऊ की कि आप घरों से अनावश्यक ना निकले और जहां पर पोलिंग स्टेशन है वहां भीड़ ना लगाएं और किसी तरह के अराजकता सड़कों पर ना फैलाएं। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वही संभल से हमारे संवाददाता मुबारक अली हमसे जुड़ चुके हैं। मुबारक, निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, आप संभल में मौजूद हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आपको बता दूं संभल के पुलिस पे हम हैं और मतदान यहां पे चल रहा है, चलने वाला तो मतदाता और शांति से मतदान कर रहा है और भारी कहां पर फोर्स लगी पड़ी और पुलिस के नौजवान के लगे और दूसरी तरफ ड्रोन की निगरानी की जा रही है और करीबन 5 नगर पंचायत है और 3 नगर पालिका है संभल में और 4,18,422 मतदाता हैं और दूसरी तरफ जो मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं 104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 442 जो बूथ बनाए गए हैं और भारी पूरी फोर्स लगी पड़ी है और काफी संभल का दिलचस्प चुनाव देखा जा रहा था और समाजवादी पार्टी में भी 2 घाट देखे जा रहे थे और चतपुरी यहाँ पे मुकाबला देखा जा रहा है और दूसरी तरफ 4 तारीख को आज मतदान शाम को 5 बजे मतदान थम जाएगा और 13 तारीख को नतीजे आएंगे और देखने वाली बात होगी बाजी कौन मारता है संभल में। मुबारक, संभल में मतदाता कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं जहां आप मौजूद हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? मतदाता जो करीबन 8:30 बजे हैं, 8 बजे मतदाता जो पहुंच रहे हैं और बहुत शांति से पहुंचा जा रहा है और करीबन 5% पोलिंग हो चुका है संभल में। मुबारक, जो संभल की जनता है वो उनके क्या अहम मुद्दे हैं, क्या कुछ वो सोच कर वोट कर रहे हैं? संभल की जनता इन नेताओं पर सवाल उठा रही है, संभल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई शिक्षा के क्षेत्र से सबसे पिछड़ा हुआ संभल बताया जा रहा है और जनता जो चाहती है विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और यही जनता का मुद्दा है। जी धन्यवाद मुबारक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो जगह जगह से हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो आपको मतदान केंद्र से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में आज 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है और भारी संख्या में महिलाएं राजधानी में मतदान कर रही हैं, वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
स्थानीय निकाय चुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में राज्य के 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान हो रहा है। 10 नगर निगमों के 10 महापौर व 830 पार्षदों के अलावा 104 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों और 2776 सदस्य और 276 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3682 सदस्यों के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। बता दें कि लखनऊ में भी मतदान की पूरे तरीके से तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी सुबह 7:09 पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, सुबह ही वो वोट कर चुके हैं। बता दें वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम के वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। यूपी में निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। सीएम योगी ने सुबह 7:05 पर ही गोरखपुर में मतदान डाला है। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। आगरा में 2 पोलिंग बूथों की ईवीएम भी खराब हो गई है। बता दें कि वोटर्स ने चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान डालने के लिए सुबह से ही लोग लाइन में लग गए हैं। ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद जीशर माउंट स्कूल में 7:45 पर वोटिंग की और सहारनपुर से हमारे संवाददाता गौरव सक्सेना हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है, आप सहारनपुर में मौजूद हैं, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चारों इस मतदान केंद्र में मौजूद है और सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में 7 नगर पंचायत, 4 नगर पालिका और 1 नगर निगम है जहां पर चुनाव होने जा रहा है और 70 वार्डों में भी चुनाव हो रहा है। और जिस तरीके से भाजपा की कार्यशैली है और विकास कार्य है उनको लेकर भी कार्य वोट मांगने की जो अपील थी, योगी आदित्यनाथ से विशाल जनसभा करके जा चुके हैं। अब देखना यह है कि भाजपा क्या इस बार मेयर बना पाएगी। गौरव, कितनी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सुबह से ही मतदान सुचारू है और जिस तरीके से हम बात करें तो हर व्यक्ति का मतदान एक संवैधानिक अधिकार है वोट देना, और जिस तरीके से जनता सुबह घरों से निकल रही है, वोटर घरों से निकल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि जनता इस बार जो चुनना चाहेगी कि उनके मुद्दे नगर निगम में उठाने वाला व्यक्ति उन्हें मिले और इस तरीके से उनके क्षेत्र का और नगर का विकास हो सके। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था से मौजूद है और प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड से लेकर सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है, उसके बाद वोटर गिनती में मौजूद हो रहा है। गौरव, तो सहारनपुर की जनता है जो मतदान करने जा रही है, वो क्या कुछ मुद्दों को लेकर मन में वोट कर रही है? देखिए, सहारनपुर जनता की अगर बात करें तो हर व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में समस्या, गंदगी जैसी समस्या, सीवर लाइन जैसी समस्या, अनेक समस्याओं को लेकर जो नगर निगम में उनके मुद्दे निर्भीकता से उठा सके और उनका हल निकाल सके, इसको लेकर वोट कर रही है।
गौरव, अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो वहां पे कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सहारनपुर में अगर हम बात करें तो भाजपा के डॉक्टर अजय सिंह जो मेयर पद पर प्रत्याशी है और बसपा के इमरान मसूद के भाभी जो खतीजा मसूद है उनकी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि देखा जाए तो बसपा से दलित और मुस्लिम वोट चंबलीगढ़ बनाने को दिख रहा है, जबकि भाजपा की तरफ केवल एक ही वोट जाता नजर आ रहा है, केवल हिंदू का वोट और किस तरह की मुस्लिम समाज का भी कोई नजर नहीं आ रहा। जी धन्यवाद गौरव हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी। बता दें सीएम योगी ने सुबह ही मतदान कर दिया है गोरखपुर से और उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल कराने की सारी व्यवस्थाएं की हैं, मुझे विश्वास है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि मतदान हमारा कर्तव्य है जिसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए मेरी प्रदेश के मतदाताओं से अपील है कि मतदान अवश्य करें। बता दें मतदान की प्रक्रिया सुबह ही शुरू हो चुकी है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, सुबह से ही लाइनों में लग गए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें पहले चरण के लिए कुल 2,40,07,643 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें कुल पुरुष वोटर 1,27,70,963 और कुल महिला वोटर 1,12,36,680 हैं। इस मतदान के लिए नगर निगम के मतदान केंद्र 2,658 और 9,699 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें महापौर व पार्षद पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान होगा, जबकि नगर पालिका परिषद के मतदान केंद्र 2,556 और 8,214 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चौगोंडा के अलावा लखनऊ मंडल में शामिल सीतापुर और रायबरेली में मतदान होगा। बता दें कि इसकी तैयारी बुधवार को ही पूरी तरीके से कर ली गई थी। बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल ही थम चुका था। आज निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसको लेकर वोटरों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है, 10 नगर निगम समेत 37 जिलों में मतदान कराया जा रहा है। पहले फेज के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अगर 2017 की बात करें तो पिछले नगर निकाय चुनाव नवंबर 2017 में 3 चरणों में हुए थे। 75 जिलों के कुल 652 नगरीय निकायों के नतीजे 1 दिसंबर को आए, जिसमें राज्य की सत्ताधारी भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। उसमें 16 महापौर पद में 14 पर कब्जा जमाया था। बता दें 1300 नगर निगम पार्षद पद की बात करें तो भाजपा ने सबसे ज्यादा 596, समाजवादी पार्टी ने 202, बहुजन समाज पार्टी ने 147, कांग्रेस ने 110 और बाकी अन्य ने जीत दर्ज की थी। वहीं नगर पालिका परिषद सदस्य के चुनाव में भाजपा की संख्या 923, सपा की 477, भाजपा की 262, कांग्रेस की 158 और बाकी अन्य की थी। वहीं 2017 में सबसे ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष 100 भाजपा के बने थे, इसके बाद सपा के 43, बसपा के 45 और कांग्रेस के 17 थे। वहीं चुनाव में भाजपा के 664 नगर पंचायत सदस्य बने थे, इसके बाद सपा के 453, बसपा के 218 और कांग्रेस के 126 थे। बता दें यूपी नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली थी। वोटिंग 2 चरणों में होगी। आज पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस दिन 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि दूसरे फेज का मतदान 11 मई को होगा। इस दिन 38 जिलों में मतदान संपन्न होंगे। पहले चरण की वोटिंग को लेकर 2 मई को चुनाव प्रचार का शोर थम गया था। 17 नगर निगमों में ईवीएम से वोटिंग कराई जाएगी, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत में बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है।
बता दें 13 मई को दोनों चरणों की मतगणना होगी और इसी के साथ रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने को लेकर 2,00,000 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। 2017 के सापेक्ष इस बार वोटरों के साथ वार्डों की संख्या बढ़ी है। इस बार करीब 96,00,000 ज्यादा मतदाता 14,684 पदों के लिए वोटिंग कर रहे हैं। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने गोरखपुर में सुबह 7:05 पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान किया है। आपको बता दें कि कहां किसकी लड़ाई देखने को मिल रही है निकाय चुनाव में। लखनऊ नगर निगम में चुनावी शोर के बीच मतदाता खामोश है। मतदाताओं की चुप्पी सभी को बेचैन करने वाली है। भाजपा ने सुषमा खरकवाल को, सपा ने वंदना मिश्रा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से संगीता जायसवाल, बसपा से शाहीन बानो और आम आदमी पार्टी से अंजू भट्ट महापौर का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं वाराणसी की बात करें तो भाजपा में काशी के क्षेत्रीय मंत्री अशोक तिवारी मैदान में हैं। इनका मुकाबला सपा के ओम प्रकाश सिंह से है। कई बार से पार्षदी ओम प्रकाश के परिवार के पास है। हालांकि नगर निगम पर पिछले कई बार से भाजपा काबिज रही है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता व BHU छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके अनिल श्रीवास्तव पर दाव आजमाया है। वहीं अगर गोरखपुर की बात करें तो भाजपा से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव प्रत्याशी हैं। मंगलेश तंग के साथ ही सीएम योगी के भी करीबी माने जाते हैं। सपा से अभिनेत्री किंजल सिंह मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं सीएम योगी का क्षेत्र होने के नाते यहां भाजपा के लिए स्थिति मुफीद मानी जा रही है। कुल करीब 10,48,000 वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 2,00,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। वहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा में भाजपा की हेमलता दिवाकर कुशवाहा का मुकाबला बसपा की लता वाल्मीकि से देखा जा रहा है। आगरा के मेयर सीट पर नगर निगम बनने के बाद से ही भाजपा के कब्जे में है। वहीं प्रयागराज में 2012 के चुनाव में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता बसपा के समर्थन में मेयर निर्वाचित हुई थी। 2017 में वे भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनी गई। इस बार पार्टी ने गणेश केसरवानी को चुनाव मैदान में उतारा है। सपा ने अजय श्रीवास्तव, बसपा ने सईद अहमद, कांग्रेस ने प्रभा शंकर मिश्र व आम आदमी ने मोहम्मद कादिर को मैदान में उतारा है। वहीं सहारनपुर की अगर हम बात करें तो 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह भाजपा, बसपा से खतीजा मसूद, सपा से नूर हसन मलिक मैदान में है। खतीजा इमरान मसूद की भाभी हैं तो नूर विधायक आशु मलिक के भाई हैं।
इस सीट पर भी मुस्लिम मतों का बिखराव ही नतीजे तय करेगा। यहां भाजपा व बसपा में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं झांसी में बीते दो चुनाव में यहां भाजपा काबिज है। भाजपा के बिहारी लाल आर और सपा से सतीश जतारिया मैदान में है। मुख्य रूप से इस बार सीधी भिड़ंत भाजपा सपा के बीच देखी जा रही है। मऊरानीपुर विधानसभा सीट पर अपना दल के खाते में जाने के बाद यहां से भाजपा ने प्रत्याशी रहे बिहारी लाल आर पर दाव लगाया है। यह पूर्व राज्य मंत्री भी है। वहीं फिरोजाबाद में 17 में नगर निगम का दर्जा मिला। भाजपा प्रत्याशी कामिनी राठौर सपा से मशरूफ फातिमा और भाजपा की रुखसाना बेगम मैदान में है। सपा की मशरूर फातिमा पिछला चुनाव ओवैसी की पार्टी से लड़कर दूसरे स्थान पर रही थी। इस सीट पर भाजपा के सामने बागी उज्जवल गुप्ता चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं मथुरा वृंदावन की बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी कोई और है। चुनाव में राजकुमार रावत के साथ दांव पर है और कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में भाजपा के विनोद अग्रवाल कांग्रेस से मोहम्मद रिजवान सपा से हाजी रईसुद्दीन प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में भाजपा से मुख्य मुकाबले में हाजी रिजवान थे। इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर। भाजपा की जीत मुस्लिम मतों के बिखराव पर निर्भर करती है। मैंने अपना मतदान का प्रयोग किया है, पहले मतदान फिर जलपान और मैं लखनऊ की सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप जाइए अपने मतदान का प्रयोग करिए, क्योंकि बूथों में बूथ खाली पड़े हैं और बहुत कम संख्या में मतदान करने जनता जाए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।